नमस्कार, मैं कमल कौशिक, आप देख रहे हैं बड़ी बात। जी हां, क्या अब भूपेंद्र हुड्डा का टाइम आ गया है? क्योंकि अब ये साफ हो चुका है कि हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर की छुट्टी हो चुकी है, वह पद पर नहीं है अध्यक्ष पद के, और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सेलजा को हरियाणा कांग्रेस की कमान अब सौंप दी गई और भूपेंद्र हुड्डा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ ही पार्टी आलाकमान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर भरोसा जताते हुए उनको 3 जिम्मेदारी दे चुका है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अभियान कमेटी का चेयरमैन उन्हें बनाया जा चुका है। हुड्डा किरण चौधरी की जगह कांग्रेस विधायक दल के प्रधान भी होंगे। ये जानकारी खुद कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने बकायदा प्रेस वार्ता कर की है। इससे पहले बुधवार को दोपहर बाद हुड्डा की सोनिया गांधी के साथ एक अहम बैठक भी हुई थी और ये बैठक करीबन 2 घंटे तक चली है। इसके बाद हरियाणा कांग्रेस में बदलाव का ऐलान भी हो गया। बड़ी बात यह है कि क्या ये मान लिया जाए कि अब भूपेंद्र हुड्डा का टाइम आ चुका है। जश्न का माहौल, हुड्डा का आया टाइम, सेलजा को बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन तंवर का क्या? कांग्रेस आलाकमान ने सेलजा को हरियाणा की कमान दे विधानसभा चुनाव के लिए दांव खेल दिया, लेकिन इस राजनीतिक खेल में एक जीत भूपेंद्र हुड्डा की भी हुई। राजनीतिक कहानी थोड़ी लंबी है, स्क्रिप्ट सभी ने पढ़ी है, मजा खेल का बहाने वाला है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा अब नए दम के साथ चुनावी मैदान में खुलकर जाने वाला है। ये बातें भूपेंद्र हुड्डा के समर्थकों के जहन में बखूबी है। फैसला देर से ही सही, लेकिन आया जरूर है। निर्णय कितना निर्णायक होगा, ये दीपावली से पहले जीत की दिवाली से मालूम हो जाएगा। हमारी शैलजा जी जो केंद्रीय मंत्री रही हैं, कई विभाग उन्होंने संभाले हैं, वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष, सीनियर लीडर जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उससे पहले 2-3 दफा चौधरी देवीलाल जी को हरा कर वो लोकसभा में रहे, वो सीएलपी के लीडर भी होंगे नए, और बाय वर्च्यू ऑफ सीएलपी लीडर वो विपक्ष के नेता भी होंगे। लेकिन एक और जिम्मेदारी कांग्रेस अध्यक्ष ने उनको दी है कि सीएलपी लीडर के साथ साथ वो चेयरमैन होंगे इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी। ये बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन है। क्यों नई जिम्मेदारी के बाद हुड्डा का पहला बयान क्या था, इसको सुनिए और देखिए भी। जो पार्टी ने फैसला किया है वो पार्टी ने फैसला मेरे को मंजूर है, और ठीक ही फैसला किया, सोच समझ के पार्टी ने फैसला किया हो, धन्यवाद हूँ सोनिया जी का जो पार्टी ने फैसला किया। एकजुट होकर लड़ना चाहिए। 370 का जो कानून बन गया, तो जिसका कानून बन गया, जो लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा में पास कर दिया, वो मुद्दा नहीं रहा। हम मेरे व्यू थे वो उस समय में थे, और मेरे अपने व्यू थे, लेकिन अब तो कानून बन गया, तो सबके लिए एक सा है, पूरे देश के लिए। जब एक कानून बन जाता है तो सब मान्य होता है। वो पहले कांग्रेस को सत्ता में लाने का प्रयास किया जाएगा और फिर फैसला किया जाएगा। वैसे 2005 में भी कोई अनाउंस नहीं किया था, तो है वो मैंने बताया ना, पहले हमारा प्राथमिकता कांग्रेस को सत्ता में लाने की। सेलजा का जिक्र बाद में इसलिए क्योंकि नजर बुधवार का सूरज चढ़ते ही भूपेंद्र हुड्डा पर थी। अब भूपेंद्र हुड्डा को लेकर तो फैसला सामने आलाकमान का आ चुका है, लेकिन अब मैडम सेलजा की परीक्षा भी शुरू हो चुकी है, तो देखिए सदा हुआ उनका बयान भी। जिम्मेवारी जिम्मेवारी होती है, और इस जिम्मेवारी को अब निभाने का वक्त भी है, चुनाव है, और चुनाव के समय टाइम कम भी बचा है, अब तो हम सबको मिलकर रणनीति भी तैयार करनी है और मैदान में भी उतरना है। लेकिन लड़ाई इतनी आसान आपको नहीं? ये भी सभी को मालूम है कि हुड्डा खेमा किसी भी कीमत पर तंवर को हटाना चाहता था। भूपेंद्र हुड्डा इसके लिए आलाकमान पर काफी समय से दबाव बना रहे थे, उन्होंने तो इसके लिए बागी तेवर भी दिखाए थे, और उन्हीं पर उनके विरोधी भी अब चुटकी ले रहे हैं। और कहा गया कि हुड्डा को जो भी जिम्मेदारी मिली हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अशोक जी तंवर
के अध्यक्ष थे, अब उनकी जगह शैलजा बहन को बना दिया है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इलेक्शन कमेटी का जिम्मेवारी दी है। यानी कांग्रेस में फूट जो की त्यों बरकरार है। देखिए कांग्रेस जो है इस वक्त असमंजस की स्थिति में है, चाहे वो हरियाणा का आप ले लो चाहे केंद्र का आप ले लो, कांग्रेस अपने कोई डिसीजन कर नहीं पा रही है किसी भी प्रकार से। और अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा 5 साल से अपने इस प्रयास में लगे हुए थे कि वो कांग्रेस हाई कमांड को कन्विंस कर सकें, लेकिन वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए हैं। और उनका टीम के किसी आदमी को अध्यक्ष नहीं बनाया गया, जैसा कि वो चाहते थे कि कांग्रेस की कमान पूरी तरह से उनके हाथ में दी जाए, वो नहीं दी गई है। इन सब के बीच ये बात कांग्रेस नेतृत्व के साथ कुमारी सेलजा और भूपेंद्र हुड्डा भी जानते हैं कि कांग्रेस की हालत राष्ट्रीय स्तर के अलावा राज्य में भी कुछ खास अच्छी नहीं है। प्रदेश में संगठन का ना होना भी कांग्रेस के लिए नकारात्मक है। गुटबाजी से भी सेलजा को निपटना होगा। अब ये जोड़ी क्या हरियाणा कांग्रेस में जान फूंक पाएगी या बीजेपी के सामने सरेंडर कर जाएगी, आने वाला टाइम सब बतला देगा। 3 खबरें अभी तक। क्या हरियाणा राजनीति अब बदलने वाली है भूपेंद्र हुड्डा को इस जिम्मेदारी देने के बाद? ये बड़ा सवाल है। कुमारी सेलजा क्या वाकई में हरियाणा कांग्रेस में बदलाव की राजनीति कर पाएगी? क्या लगता है कि अब संगठन को बिना संगठन के ही मजबूत कर पाएगी कुमारी सेलजा? क्योंकि उनके बयान से ये लगता है कि वो सबको साथ लाना तो चाहती है, लेकिन अभी बहुत मुश्किलें उनके सामने आने वाली है, क्योंकि किरण चौधरी, सुरजेवाला, अशोक तंवर, कैप्टन अजय यादव, इन सबको एक साथ लाना टेढ़ी खीर सी लगता है। अब इसमें आगे क्या रणनीति अपनाई जाएगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा हम करेंगे कि अब आगे क्या कुछ हो सकता है विधानसभा चुनाव से पहले, और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस क्या क्या कर सकती है इस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्या रणनीति अख्तियार की जा सकती है। तो हमारे साथ चर्चा में कुछ मेहमान शामिल हो चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। बीजेपी से प्रवक्ता प्रेमत्रे साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके अलावा इनेलो से प्रवक्ता जोगराम जी हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस बालमुकुल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में, प्रवक्ता जेजेपी दलवीर धनखड़ जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जुड़ चुके हैं लाइव। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र सिंह जादौन साहब भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं। अदर साहब, पहला सवाल आपसे, क्या चुनौतियां बढ़ जाएंगी? क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा पहले कह रहे थे कि मैं पार्टी में हूं कि नहीं हूं, अभी तो मालूम नहीं है, लेकिन अब साफ हो चुका है कि पार्टी को मजबूती ही देंगे। देखिए कमल, आपने ही ये बात कह के स्पष्ट कर दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी में है या नहीं, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही नहीं पता था। तो इसका मतलब ये है भारतीय जनता पार्टी के सामने किसी तरह की कोई चुनौती नहीं है। ये तो देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस हाईकमान की दयनीय स्थिति, मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा 18 तारीख को रैली करके कांग्रेस हाईकमान के ऊपर दबाव बनाने के लिए बिना हाईकमान, बिना सीनियर लीडर्स की किसी फोटो के बाकायदा ये बात बोलते हैं सारे बंधन तोड़ के आया हूँ, बाकायदा पार्टी लाइन के खिलाफ जाके बात करते हैं। तो और उसके बाद कांग्रेस हाईकमान उनके इस दबाव में आ जाती है, या यूं कह लीजिए आंशिक रूप से आ जाती है, तो ये कांग्रेस का हाईकमान की दयनीय स्थिति है। आप समझ सकते हैं कांग्रेस के इस वक्त हालात कैसे हैं। लेकिन हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने जैसा कि लग भी रहा है कि कांग्रेस में फूट से बचने के लिए हो सकता है ये कदम उठाया हो, जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार जिस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की वो फूट जो कि तो है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने पहले के अध्यक्ष अशोक तंवर साहब की पिटाई करवाई, ये सबको पता है, बाकायदा एफआईआर हुई, एफआईआर में लोगों के नाम बाकायदा दिए गए जो हुड्डा साहब के आसपास के लोग हैं। और अब जिस तरह से शैलजा जी को अध्यक्ष बनाया है, शैलजा जी का और हुड्डा साहब का आपसी जो राजनीतिक रिश्ता है वो 36 का आंकड़ा रहा, ये सभी जानते हैं। अंबाला में तो भाई बहन के तौर पर भी सामने आया था, आपने देखा जब अंबाला में लोकसभा कमल जी के लिए चुनाव प्रचार करने गए थे। 2014 का लोकसभा चुनाव शैलजा जी ने इसी वजह से छोड़ दिया। 2019 की बात कर मैं कह रहा हूँ, इसी वजह से उन्होंने लोकसभा का चुनाव छोड़ दिया था, क्योंकि आपको याद होगा जब वो लोकसभा सदस्य थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, बाकायदा शैलजा जी सार्वजनिक रूप से ये बात कह चुकी थी प्रचार तो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी बात नहीं सुनते। और आपको याद होगा NH-73 वाला मसला जिसमें शैलजा जी ने
बार बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ब्लेम किया कि वो काम नहीं हो सका, तो ये जो 36 का आंकड़ा तब भी था और वो 36 का आंकड़ा आज भी है, तो मुझे लगता है कि हरियाणा की राजनीति पे और विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी को कतई कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो शैलजा जी अध्यक्ष बने या सवर साहब अध्यक्ष रहे, इससे कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस के नेता केवल ढींगरा साहब भी फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ और बालकू शर्मा जी कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ढींगरा साहब, सवाल यही है कि बीजेपी कह रही है कि दबाव की राजनीति भूपेंद्र हुड्डा ने की और दयनीय स्थिति है आपके आलाकमान की, और ये आज का नतीजा कि उनको ये जिम्मेदारी मजबूरी में देनी पड़ी है। कमल जी, आप मजबूरी किस चीज की है? कांग्रेस पार्टी एक मजबूत पार्टी है और आपको ये बताना चाहूंगा, हमारे जो प्रधान की टर्म होती है वो 3 साल की होती है। 3 साल के बाद अशोक तंवर जी उस मीटिंग में मौजूद थे जहां पे ये फैसला लिया गया और अशोक तंवर जी की सहमति के साथ और सभी लोगों की सहमति के साथ ये फैसला हुआ था कि जो हमारी हाईकमान है जो इस बारे में फैसला करेगी वो हमें सबको मंजूर होगा। तो आज फैसला आ गया उसका। लेकिन ये बात जो कह रहे थे अभी प्रवीण अत्रे जी, 36 का आंकड़ा है, 35 का आंकड़ा है, 50 का आंकड़ा है, ये आंकड़ा हम अभी विधानसभा के चुनाव में बताएंगे, क्योंकि बीजेपी का जो 5 साल का कार्यकाल रहा उसके अंदर इन्होंने जो हरियाणा का हाल किया, बेहाल कर दिया हरियाणा। बीच में कुछ पॉइंट रखना चाहते हैं लेकिन उससे पहले बालमुकुंद शर्मा जी आपके साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत करता हूं। बालमुकुंद जी स्वागत है आपका खबर तक पर इस डिबेट में। पॉइंट रखिए, छोटा सा पॉइंट रखिए, आपको भी रखना चाहूंगा, माफ कीजिएगा। पहली चीज तो ये है कि जो ढींगरा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमान को फैसला करना था, 18 तारीख की रैली के हिसाब से तो हुड्डा साहब ने तो कहा था वो 3 सदस्यीय कमेटी ने फैसला करना है, हाईकमान का तो जिक्र ही नहीं था वहां पे। और दूसरी बात, ढींगरा जी कह रहे थे कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूत पार्टी है, ढींगरा साहब ये पहले की बातें हो गई है, भूतकाल की बातें थी। आज हालात ये है कि आपके पास पार्लियामेंट में विपक्ष का नेता चुनने का अधिकार भी जनता ने छीन लिया। आज हालात ये है कि हरियाणा प्रदेश में 10 के 10 मेंबर पार्लियामेंट को मुंह की खानी पड़ी चुनाव में। आज ये हालात है, आज जनता आपको नकार चुकी है। अब मान के चले समझ में आएगा अब कि हरियाणा में लड़ाई जो है वो किस तरह की है। अरे साहब, हरियाणा में लड़ाई विकास विकास किया नहीं, ढींगरा साहब, इससे पहले जब अशोक तंवर थे हरियाणा अध्यक्ष, क्या तब नहीं था ऐसा? अब भूपेंद्र हुड्डा को जिम्मेदारी दी गई तभी हरियाणा कांग्रेस मजबूत हुई है, क्या पहले मजबूत नहीं थी? क्या मोड की बात कर रहा हूं मैं, अब इलेक्शन मोड की बात कर रहा हूं, अभी जागे हैं आप, तरह तरह के सवाल, तरह तरह की बातें करते रहे। अच्छा, अब वो मामला नहीं रहा, अब इलेक्शन मोड पे है। ठीक है, और इलेक्शन मोड पे जनता की जो इन्होंने लूटा, इस तरह से जनता का मुझे लग रहा था विपक्ष तो हमेशा इलेक्शन मोड में रहता होगा। इनसे एक बात पूछिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तो ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है। ठीक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चर्चा में जोड़ता हूं, बालमुकुंद जी हमारे पास मौजूद थी। ठीक है, ढींगरा साहब आ रहा होगा, अगर सभी नेतृत्व में चुनाव लड़ा तो वो सीट कट गए आपकी, 40 रह गई, फिर वो 15 हो गई, अब वो 0 हो गई, फर्क ये है बस। देख लेते हैं बालमुकुंद शर्मा जी, पहली बार हरियाणा के अंदर ढींगरा साहब रुक जाइए प्लीज, कोई बात नहीं, ये कहीं ट्रैक दूसरे ट्रैक पर चले गए। सर, पहली प्रतिक्रिया आपकी प्रवक्ता होने के नाते, वो नेता हैं, आप प्रवक्ता हैं, आज के फैसले को आलाकमान के किस तरह से देखते हैं? क्या ये जरूरी था कि अशोक तंवर को हटाएं और कुमारी सेलजा को लाएं इस पद पर? देखिए, जो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी जो भी फैसला करते हैं सोच समझ के करते हैं, उन्होंने 19 साल तक लगातार कांग्रेस को नेतृत्व दिया है और 19 साल के कार्यकाल में कांग्रेस जब थोड़ा नीचे टाइम पे भी थी उसको उभारा है और 10 साल तक हमने शासन दिया UPA 1 और UPA 2। और सोनिया जी एक त्याग की प्रतिमूर्ति, उन्होंने खुद प्रधानमंत्री का पद, जब समय ऐसा आया था उनको प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस ने चुन लिया था तो उन्होंने पद का त्याग कर दिया था। पदों की परंपरा कांग्रेस में ऐसा नहीं है, कांग्रेस में एक विचारधारा है, उस विचारधारा को लेकर के जब आगे बढ़ना होता है तो उस समय के अनुरूप फैसला करना होता है। आज पार्टी ने ऐसा महसूस किया कि चुनाव का समय है और उसमें कुछ अनुभव का भी हम सहारा लें और जो युवा साथी उनको भी साथ लेके चले, उस अनुभव के आधार पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, किरण चौधरी जी CLP की लीडर थी उनकी जगह उनको बदल दिया गया, वो किरण चौधरी जी से सहमति लेकर के सारे लोग मीटिंग में थे आज। अच्छा। और शैलजा जी चूंकि वो दो सारे लोग मीटिंग में थे, मैं बताता ना, क्योंकि शैलजा जी वो सरसा से भी सांसद रही हैं, अम्बाला से भी रही हैं, राज्यसभा में सदस्य हैं, केंद्रीय मंत्री रही हैं, नरसिम्हा राव जी के टाइम में भी रही हैं, UPA 1 में भी रही हैं, UPA 2 में भी रही हैं, उनका भी लंबा चौड़ा दायरा कार्यकाल है, काम करने का समय का अनुभव है।
उस अनुभव का फायदा उठाने के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी झूठ लूट भेदभाव बंटवारा इस तरह की राजनीति कर रही है, मतलब एक एक झूठ के बाद नई झूठ रोज निकाल के लाते हैं, जिस तरीके से प्रवीण अत्रे जी बोल रहे थे कर, उनकी तो याददाश्त भी कम है मुझे लगता है, जैसा बातों से मैं समझता हूँ। 2014 की बात करें, नहीं नहीं चलो मैं ट्रैक से बैठूंगा नहीं, फिर अत्रे जी बीच में आ जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो किसी भी पार्टी का ये अंदरूनी मामला होता है, और सोनिया जी हमारी त्याग की प्रतिमूर्ति है, जो वो फैसला करेंगे पार्टी का नेतृत्व जो फैसला करेगा सबको मंजूर होगा। जो कि राम जी आप गुलाम नबी आजाद ने भी कहा कि चौधरी देवी लाल को भी हराने वाले अब जो है अनुभवी भूपेंद्र हुड्डा होंगे सीएलपी लीडर भी, और बड़ी जिम्मेदारी उनको दो और दी गई है, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या, आपको इससे चुनौती मिलेगी? कमल जी ये वैसे तो कांग्रेस पार्टी का इंटरनल मैटर है और कांग्रेस पार्टी का अपना हक है किसको क्या बनाती है क्या नहीं बनाती है, ठीक है, लेकिन राजनीति में वर्चस्व की लड़ाई हरेक लड़ता है, ये कोई नई बात नहीं है। अब आप देखिए बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी जब आए तो कितना लड़ाई करके वो आए, कितने उन्होंने गुमराह किए लोग, बड़े बड़े लीडरों को भी पीछे किया, तो अब हम ये कहें कि भी केवल कांग्रेस में ही हुआ है तो कहाँ नहीं होता ये। अच्छा, रामविलास शर्मा जी आज बोल रहे हैं जो कि प्रधान थे, प्रधान के बाद सीएमशिप नहीं मिली वो अपना दुखी होते रहे, इसके बाद विश साहब दुखी होते रहे, कौन बन गया कौन नहीं बन गया, ये मतलब मुद्दा है, ये है कि भाई वर्चस्व की लड़ाई है, पार्टी ने देखना भी कौन योग्य है, कौन हमारा आगे लाने लायक है क्या है। नहीं, मेरा तो चुनौती वाला सवाल था, जैसा कि आप सीएलपी लीडर बन चुके हैं, उन्होंने चुनौती दी, उन्होंने पार्टी ने देखा होगा, पार्टी समिति के अध्यक्ष ने देखा होगा, पार्टी ने देखा, ये इंटरनल मैटर है, क्या बीजेपी में ये नहीं होता जैसे अत्रे जी बोल रहे हैं, आपके लिए चुनौती होगी क्या? क्या घपला किया, लिस्ट ही बदल दी इन्होंने, रोज नए नए मुद्दे आ रहे हैं इनके। अभी एमसी गुड़गांव में देख लो क्या आया है, जोगीराम जी के बारे में मैं बता देता हूँ, कमल जी मैं एक सेकंड लूंगा, जोगीराम जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, कमल जी जोगीराम जी राजनीतिक व्यक्ति होने के साथ साथ सामाजिक व्यक्ति भी हैं, इसलिए वो ठीक बोल रहे हैं, प्रवीण अत्रे जी राजनीति के साथ साथ व्यापारिक व्यक्ति हैं, वो व्यापारिक दृष्टि से होते हैं, इसमें फर्क है ना जी, काफी देर से कह रहे हैं कि मुझे भी चर्चा में शामिल करें, दलबीर जी बताइए सर आप क्या कहना चाहते हैं भूपेंद्र हुड्डा को, जिस तरह से जिम्मेदारी दी गई है कांग्रेस आलाकमान के द्वारा कुमारी सैलजा को, अब हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है, तो चुनौती आप से भी होगी कहीं ना कहीं बड़ी उनसे? जी धन्यवाद, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, वैसे तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, परंतु कुछ मुद्दे होते हैं जो उठ जाते हैं, मुद्दा यह है केवल दिंगड़ा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रवक्ता थे जो रोहतक से बोल रहे थे, बाल मुकुल जी कल अशोक तवर के प्रवक्ता थे वो कल क्या बोल रहे थे, मैं उनकी बातें दोहराना चाहूंगा, उन्होंने कल बोला था भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस धरती में सबसे कमजोर व्यक्ति है, वो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पे दबाव बनाना चाहते हैं, परंतु राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी दबाव में नहीं आएगी और आखिर तक अशोक तवर ही हमारे अध्यक्ष रहेंगे, ये कल की बात है, ठीक है, ये कल की बात है, ठीक है, ये कल की बात है। मैं आपसे और बताना चाहूंगा, जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा जी ने रोहतक में अपने आप को संभाल खुद मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया, क्या राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस अपने आप को मानती है, क्या वो दबाव में नहीं आई, ये दबाव में इसलिए आई है, आज आप सबको पता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा राहुल गांधी जी सोनिया जी सब जमानत पर चले हुए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जन्म कुंडली लिए हुए, उनको कभी डर था कभी, ये भारतीय जनता पार्टी से मिलकर हमें जेल के अंदर ना डाल दे, ये तो भारतीय जनता कांग्रेस की बात है। जी बोलिए, जहां तक बात है मेरे भाई केवल दिंगड़ा एक बात बता दे, रोहतक से जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घोषणाएं करी थी, क्या कांग्रेस की घोषणाएं है या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की घोषणाएं है, ये बता नहीं पाएंगे। ठीक है सर, मैं आपको भारतीय जनता पार्टी, ठीक है सर, भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में जननायक जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, रियल
और सीरियस चुनाव लड़ रही है, जनता के बीच मजा रही है, रो रहा है, बाकी कोई पार्टी सीरियस नहीं है। काउंटर कर दे तो नहीं, मैं उस बाद में आऊंगा सर, मैं खुद ही सवाल पूछ लूंगा आपसे, लेकिन जादुन साहब को बीच में जोड़ना जरूरी है चर्चा में, अभी तक शामिल नहीं हुए। जादुन साहब, किस तरह से देखते हैं ये कदम उठाया गया कांग्रेस हाईकमान के द्वारा? देखिए, कांग्रेस में आंतरिक गुटबाजी तो है ही, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और बहुत खुले में भी बातें थी कुछ, कि वो तंवर साहब का विरोध हो रहा था कि भाई इनको हटाया जाए, लंबे समय से मांग की जा रही थी, पिछले 2-3 साल से जो है काफ़ी जो है विधायकों ने भी एकजुट होकर और कांग्रेस लीडरशिप को लेटर भेज दिया था ज्ञापन, कि भाई हम इनके नेतृत्व में काम नहीं कर सकते और कांग्रेस जो है ठीक से सर्वाइव नहीं कर पाई कि इनके रहते हुए, तो इस तरह का पहले से ही चला रहा था, लेकिन फिर बाद में ये रोहतक की रैली ने भी कुछ अपना रंग दिखाया, तो कांग्रेस लीडरशिप ने एक रास्ता निकाला बीच का। बहुत जो है, मैं नहीं मानता कि इसमें हुड्डा ग्रुप की बहुत मांगें स्वीकार कर ली गई हैं, क्योंकि उनके खेमे से कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं आया। शैलजा दी तो इंडिपेंडेंट काम करती थी, जब वो हुड्डा जी की सरकार थी तो वो भेदभाव के आरोप भी लगाती रहती थी, तमाम तरह की बड़े कटु आलोचक थी वो उनकी, और चौधरी वीरेंद्र सिंह और ये मिलके एक अलग तरह की राजनीति करते रहते थे भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ, तो ये इनको इंडिपेंडेंट, और इस समय उन्होंने जो है चुनाव के समय में दलित कार्ड का भी ध्यान रखा है कि दलित की जगह दलित बनाया है उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष, तो बहुत ज्यादा जो है भूपेंद्र हुड्डा लोकसभा चुनाव में भी इलेक्शन कमेटी के प्रमुख थे, और अब वो कांग्रेस विधायक दल के नेता बनने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि असेंबली डिजॉल्व होने, नई असेंबली बनने जा रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या जो हुड्डा के समर्थक, उनका एक मकसद तो पूरा हुआ ना, जैसा कि कई विधायक भी पत्र भी लिख चुके थे कि अशोक तंवर को हटाया जाए इस पद से, उनका एक मकसद तो पूरा हो चुका है ना। हाँ, वो ठीक है कि वो हो गया, लेकिन सवाल ये है कि प्रदेश अध्यक्ष पद उनको तो नहीं मिला ना, वो तो ये चाहते थे कि हमारी मर्जी का प्रदेश अध्यक्ष पद बने, मिले, खुद बने, हाँ, जो भी प्रदेश अध्यक्ष बने वो हमारे ग्रुप से हो, जो हमारे अनुसार चले, तो ऐसी स्थिति तो नहीं रहने वाली, क्योंकि शैलजा जी आई हैं तो वो पहले भी इंडिपेंडेंट सोच रखती थी, अपने तरीके से उनकी अपनी एक लाइन थी, तो वो इस तरह से काम करेंगी, तो हुड्डा ग्रुप की जो इच्छा थी कि वो सारा काम जो है हमारे हाथ में आ जाए, तो वो ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। ठीक है, ऐसी स्थिति नहीं हुई, नहीं रहेगी। दलबीर जी ने कुछ सवाल उठाए, बालमुकुंद जी उस पर आप जवाब दीजिए। उन्होंने, देखिए, जादुन साहब से पूछा, उन्होंने भी रैली का जिक्र किया कि रोहतक की रैली का ये नतीजा है। आप दलबीर जी जब बात करते हैं तो आपकी बातों को याद दिलाते हैं कि हुड्डा ऐसे शख्स हैं जो धरती पर सबसे कमजोर है, और सोनिया गांधी जी का भी दबाव में आने वाली नहीं है, ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन सब कुछ हो गया। देखिए, दलबीर जी वैसे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और मेरे काफी पुराने मित्र हैं, राजनीतिक मित्रता हमारी नहीं है, लेकिन पारिवारिक संबंधों जैसे हमारे अच्छे संबंध है। इनमें इनकी दिक्कत यही है, हमारा जो कार्य क्षेत्र है या जो हमारा दिमाग विस्तृत है वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कटक से लेकर कामाख्या तक, हमें विस्तृत परिदृश्य में सोचना पड़ता है। अगर हम हरियाणा का फैसला करते हैं तो पूरे हिंदुस्तान का, महाराष्ट्र में क्या इम्पैक्ट जाएगा, पंजाब में क्या जाएगा, उत्तर प्रदेश में, ये लोग तो कालका से कसौली तक और बापोली से डबुआली तक, इनको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। और उसके साथ भी अंदर एक बात है, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ उसमें, कमल जी आप भी शामिल इस बात में, हम जो ना आगे की सोचते हैं, भविष्य निर्माण कैसे किया जाए, आगे कैसे हो, अगली पीढ़ी का भी सोचते हैं लोग, और जो दूरदर्शी लोग होते हैं वो 3-4 पीढ़ियों का आगे सोचते हैं कि भविष्य निर्माण कैसा हो, सुंदर कैसा हो, ऐसे सपने लेने चाहिए कि हमारी अगली पीढ़ी कैसे सुधरे, और हम तो केवल इन चुनाव को देख करके फैसला लिया है, तो इसमें किसको आपत्ति है, कल किसने क्या कहा, कल किसने क्या कहा, अगर इसी पर रह जाएंगे तो इसका मतलब हमने जो तर्क दिए जाते हैं वो इसी पर दिए जाते हैं। पूरी सुनिए ना, मैं वो बताता हूं, जैसे कि अत्रे साहब 2014 की याद दिला रहे थे, मैं अत्रे साहब को भी, मैंने देखो अत्रे साहब की एक चीज आपको मैं बता देता हूं, मैं तो हैरान हूं अत्रे साहब का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन कल जो कही बात थी, कल जो हुड्डा बड़े कमजोर नेता थे, कल जो दुनिया में मेरी एक प्रार्थना है आज अगर कांग्रेस पर यह मुद्दा है, मैं एक एक का, जैसे दलबीर जी ने बोला उनका जवाब दूंगा, प्रवीण अत्रे जी बोले फिर उनका जवाब दूंगा, इसलिए डिबेट को ऐसा बनाइए ताकि लोग देखें पूरा हरियाणा दे रहा। दलबीर धनखड़ जी ने जो बात, डिबेट में सब खुलकर, नहीं अच्छी बात है, मैं समझता हूं, देखिए कमल जी ऐसा ही होना चाहिए, मैं कहता हूं प्रवीण अत्रे जी किसी के भी बीच में आ जाते, मैं उनकी पूरी बात का जवाब दूंगा, और मैं उनको एक चैलेंज देता हूं, इसके बाद अगर आपकी डिबेट कभी 1 घंटे के लिए अकेले प्रवीण अत्रे जी से हो जाए तो हम जवाब देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई आज तक काम नहीं किया, एक बंटवारा किया केवल भाईचारे का। सुनो, अभी दलबीर धनखड़ आ जाते, दलबीर धनखड़ जी पे, धनखड़ साहब मैं आपको एक चीज आश्वस्त करना चाहता हूं, आपको मैं बताना भी चाहता हूं, मेरे आप भाई हो छोटे हो बड़े उम्र में, एक दो आगे की सोचिए, आगे की सोच लिए हमेशा, आगे सोच, कल क्या हुआ इस पे कभी मत जाना, अगर आपको अच्छा भविष्य दूसरे की लकीर से लंबी लकीर खींचो और आने वाले कल की सोचो, पहले क्या हुआ उस पे चर्चा करने का वो अच्छी बात नहीं है, उस पे नहीं जाना चाहिए। एक चीज बड़ी है, बालमुकुंद शर्मा जो है यहाँ पे बैठ के देखो क्या बातें कर रहे हैं, एक तो ये सोनिया गांधी त्याग की मूर्ति है,
बालमुकुल शर्मा ये नहीं बताते, हालांकि जनता जानती है कि पीए संगमा बगावत करते हैं कि विदेशी मूल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। शरद पवार बगावत करते हैं कांग्रेस से कि विदेशी मूल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। अब ये कहते हैं प्यार साहब उनको तो उन्हीं की पार्टी के लोगों ने विरोध किया है। कांग्रेस की कल्चर रही है अपने अध्यक्ष की पिटाई कर देना, कांग्रेस की कल्चर रही है। क्या फर्क पड़ता है? भारतीय जनता पार्टी को तो कभी फर्क नहीं पड़ता। जवाब ले लेता हूँ, प्रवीण इतरे ही जवाब दे दे। हमारी संस्कृति क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा घर है। क्या बात है? आप क्या बात करते हैं? मेरी बात सुनिए, मेरी बात नहीं सुनते आप। कमल जी एक बात बता दीजिए, हमारी संस्कृति बात है। जोगीराम जी मेरा जवाब देने, आप सुनते नहीं रहे। कांग्रेस की संस्कृति कभी एक एक हमारे घर में, एक हमारे घर में हमारी दुल्हन आती है, क्या जिस दिन वो आती है जिस दूसरे गांव से ब्याह लेते, क्या हमारे गांव की नागरिक नहीं होती? क्या हमारे गांव में आके सरपंच नहीं बनती? तो क्या बात कर रहे हैं? काल में जा रहे हैं, किस शादी काल में जा रहे हैं? अरे बात कुछ के घर पे जाए आए हैं, उसने आके बात कर रही है। क्या बात कर रहे हैं? नहीं बात उलझ रहे हैं, ये उलझा रहे हैं। आप भी कमाओ, हम उससे छोड़िए, आप भी कमाओ। आप मुद्दों पर बोलिए, उनको जो भी बोलने दीजिए, मैं जवाब दूंगा ना। मुद्दों में बता रहा हूं मैं, जोगीराम जी के पास जाऊंगा। आप बार बार वो कह रहे हैं मुझे भी चर्चा में फिर से शामिल कीजिए। जोगीराम जी आप क्या कह रहे हैं? कमल जी मेरा ये कहना है कि किस पार्टी में क्या नहीं होता। वीरेंद्र सिंह जी बीजेपी में गए, कितने गाली देते थे बीजेपी को, आज वो कांग्रेस को कोस रहे हैं। ये देखो राजनीति है, राजनीति में होता है, ठीक है। लेकिन हमें मुद्दे तो वो लेने चाहिए ना कि जिससे प्रदेश का क्या हित होने वाला है। उसमें हुड्डा है या कोई भी है या हमारे मनोहर लाल खट्टर जी हैं, लेकिन देश का हित कहाँ पर है, प्रदेश का हित कहाँ पर है? मुद्दा ये है। अगर हम इसी में लड़ते रहे कि भाई हुड्डा जी को ये बना दिया, उसको ये बना दिया, इन्होंने क्या मुरली मनोहर जोशी जी का टिकट काट दिया, अडवाणी जी का टिकट काट दिया, पॉलिसी असर हो गया। आप अंदरूनी बात करते हैं फिर दूसरों पर सवाल भी उठा देते हैं। कांग्रेस के साथ तो आप कह रहे हैं कि अंदरूनी मामला है, उनके अंदरूनी मामले पर ठीक है, इस पर भी चर्चा कर लेंगे कि इससे भविष्य की राजनीति क्या होगी और मुद्दे क्या। मैं तैयार उस बात के लिए, देख एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, उसके बाद देख लेंगे कि आने वाले समय में किस तरह से प्रदेश की राजनीति पर फर्क पड़ेगा। दलबीर जी आपके पास भी आऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए खबरें अभी तक। तो कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र हुड्डा का एक बार फिर से टाइम तो आ गया, लेकिन आने वाला समय क्या कांग्रेस का होगा ये देखने वाली बात, और इस पर अब चर्चा हम करने वाले हैं। दलबीर जी ब्रेक पे जाने से पहले बहुत कुछ कहने वाले थे सर, आप अपनी बातों को पूरा कीजिए सर। सर बिल्कुल, मैं फिर कहता हूं ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला, मैं शुरू से मानना ये बात जी। मैं एक बार बाल मुकुल जी से पूछना चाहता हूं, रोहतक के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो घोषणाएं की थी, मैं सीएम अगर बनूंगा तो चार उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा, वो जो घोषणाएं की थी। अच्छा। क्या बाल मुकुल शर्मा मेरे को ये बताएं, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम का कैंडिडेट मान चुके क्या नहीं मान चुके? नंबर एक। नंबर एक। नंबर दो। अच्छा। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, 370 पे कह रहे थे कांग्रेस रास्ता भटक चुकी, कांग्रेस रास्ता भटक चुकी है, वो कांग्रेस नहीं है। 18 तारीख से 4 तारीख में क्या कांग्रेस उस पकड़ी पा गई, ये मैं पूछना चाहता हूँ मेरे मित्र केवल लिंगड़ा से। वो हमारे साथ नहीं है सर, केवल लिंगड़ा जी बुलाया, बाल मुकुल जी को बुलाया। दोनों सवाल में मैं पूछना चाहता हूँ बाल मुकुल जी से, क्या जी 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 क्या अशोक तंवर जी का सिर फोड़ा था? बाल मुकुल जी उस बात को भूल चुके, हुड्डा साहब के आदमी थे। मैं ये भी पूछना चाहूंगा, श्रीमती सोनिया गांधी की क्या मजबूरी है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इतना करने के बाद अनुशासनहीनता में बाहर करने की बजाय? ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं सर, जवाब ले। अच्छी बात, आपने पॉइंटों में बात की, यही तो अच्छा लगता है कि आप पॉइंट से बात करते हैं। बाल मुकुल जी, तमाम तरह के जो सवाल पूछे गए हैं इनमें ये भी है, अशोक तंवर जिक्र कर रहे थे कि हम अनुशासनहीनता को लेकर अपने नेतृत्व से बात करेंगे, जो हमारा सेंटर है उनसे बात करेंगे, उसके बाद ये होता है जो आज का नतीजा है। आपको मैं कहना चाहता हूं, मंजिल पर जब हम चलते हैं, रास्ता है, रास्ते की बात नहीं करते, मंजिल की बात करते हैं। आज हम रिजल्ट पर आ रहे हैं, रिजल्ट ये है जो आप लोगों के सामने है, मीडिया के सामने, इस पे बात कीजिए। आज से हम नई दिशा तय करेगी कांग्रेस पार्टी, और ये हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षता का फैसला है।
कल को तो सर आप भी घोषणा पत्र जारी कर देंगे और सत्ता में आ जाएंगे तो कहेंगे भूतकाल की बात भूल जाएंगे। देखिए आप जैसे जब हमारे शुभ चिंतक होंगे, आप लोगों का आशीर्वाद सहयोग, आप उम्र में छोटे इसलिए सहयोग में मानूंगा, तो ऐसे समय भी आएंगे। हम भी आज हम प्रवक्ता हैं, कल हम पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष होंगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता होंगे, इसी उम्मीद के साथ मंत्री भी हो सकते हैं। हाँ, मैं कहता हूँ इसी उम्मीद के साथ, जब हम बचपन से राजनीति करते हैं, दलबीर धनखड़ जी इन चीजों के जानकार हैं, मैं छात्र राजनीति से लगे हुआ, पिछले 25 साल से मेरा राजनीति का अनुभव है, तो किस लिए ये एक उम्मीद लेकर के आगे बढ़ते हम। और मैं एक और नई चीज दलबीर धनखड़ जी को बताना चाहता हूँ, जो ये कहना चाहते हैं, मैं एक प्रकोष्ठ का चेयरमैन हूँ जिसको प्रचार प्रसार प्रकोष्ठ बढ़ते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ है हमारा, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो मैनेजमेंट कमेटी जो बनाई है उसके चेयरमैन है, तो हम दोनों को हमारा तालमेल रहेगा। आज कल अगर जाकर इस कमेटी हमारी पहली मीटिंग होगी तो उसमें मैं भी एक सदस्य का भूपेंद्र हुड्डा के समर्थकों को याद नहीं होगा कि यहाँ बैठे बैठे आपने कितने बयान उनके खिलाफ दिए। देखिए मैं ये खुलकर दिए हैं, मैं बताता हूँ क्या क्या कहा है, बिल्कुल मैं बताता हूँ। बलबीर जी ने कहा कि कमजोर है वो, तो धरती पर सबसे, देखिए मैं पिछले 5 साल से या 4 साल से जो एक आवाज प्रवक्ता क्या था, एक चीज और मैं बताता हूँ, वक्ता प्रवक्ता अधिवक्ता महाधिवक्ता ये चीजें डेफिनेट अलग अलग चीज की है। प्रवक्ता होता है जो दूसरे की आवाज, यानी कि मैं पार्टी की आवाज हूँ, ये अब मैं जो बोल रहा हूँ बालमुकुंद शर्मा की आवाज नहीं है, तो पार्टी ने कहा था कि वो कमजोर है सबसे। मैं उसी बात हूँ, राहुल गांधी जी ने जिस जो हमारी ड्यूटी लगा रखी थी हमने वो ड्यूटी निभाई, आज सोनिया जी ने जो हमारी ड्यूटी लगाई हम वो ड्यूटी निभाई। हंस रहे हैं आप पे दलबीर जी, दलबीर जी बिल्कुल, देखिए दलबीर जी को मैंने अभी बताया था, उनको जोक लग रहा है, मजाक लग रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कटक से कामाख्या तक इसके अंदर बहुत बड़ा अर्थ है। दलबीर जी श्रेय, दलबीर जी को जितनी जानकारी हो उस वहीं तक सीमित रहेंगे। मेरी मजबूरी है, आज मैं यहाँ बोलता हूँ इसका प्रभाव महाराष्ट्र में पड़ सकता है, तमिलनाडु में पड़ सकता है, इसलिए जवाब दें दलबीर जी, उसके बाद मैं यहाँ पर बैठे मेहमानों के पास जाना चाहूंगा। दलबीर जी बोलिए, 5 सेकंड 10 सेकंड। सर मैं ये पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री अपने आप को घोषित किया था बुड्ढा साहब, क्या ये मुख्यमंत्री उनको मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? ठीक है, छोटा सा जवाब, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले आप ये मान रहे हैं ना कांग्रेस की सरकार आएगी, आप ये बताइए, अगर आप पहले ये जवाब दीजिए, आप ये मान उम्मीदवार कांग्रेस की सरकार आएगी, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार? मैं बाद में कहूंगा, पहले आप बताइए, आपने ये मान लिया कि कांग्रेस की सरकार आएगी? आप सवाल को घुमा रहे हैं, आप सीधा सवाल है मेरा। दलबीर धनखड़ जी, मैं तो सीधा आदमी, किसान के घर में पैदा हुआ हूँ, गरीब ब्राह्मण परिवार से आया हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सीधी बात करता हूँ, सीधी बात ये आपने जो घोषणाएं करी थी, देखिए फिर मैं कहता हूँ आप फिर पीछे चले जाते हैं, आप आगे चलिए, छोड़ दीजिए, आप आगे चलिए। बाल मुकुल शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता बात नहीं करते, कल की वो भविष्य की बात करते हैं, आप कल क्या स्पष्ट हो गया, कल क्या हुआ? और ये अगर यानी कि मेरे जो सवाल थे वो भविष्य के होंगे इनके साथ, बिल्कुल आने वाले समय में क्या? आज मुबारकबाद दी मेरी अध्यक्ष को, प्रदेश जो नई अध्यक्ष बनी है, तो उन्होंने कहा आप आइए मुझे दिल्ली मिलिए, तो मैं कल उनसे दिल्ली मिलकर बता सकता हूँ वो क्या भविष्य की योजना बना रहे हैं। कल मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मिलूंगा, मैं डिबेट पे ये बात कर रहा हूँ, आज नहीं है इतना समय, नहीं मिले तो आप भूल जाएंगे, तो मुझे ठीक है, ठीक है, वो चीजें जरूरी नहीं है, भविष्य निर्माण के लिए मैं बता रहा हूँ धनखड़ जी को, आपको नहीं मैं कह रहा, धनखड़ जी को मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप जो पूछे उसका जवाब आप पूछिए, ठीक है सर, हम यहीं पर बैठे हैं सभी, और मैं कल ये बोल रहे थे किसके बारे में, अभी इन्होंने कहा ना कि भी उनकी आवाज में बोल रहा था, इससे पहले अत्रे जी भी इनेलो की आवाज बोलते थे, अरे बीजेपी भी बोल रहे हैं, अब ये कैसे कह सकते हैं, अब ये कैसे कह सकते हैं कि भाई ये मुख्यमंत्री जी अपना कभी उसकी बोल रहे हैं, उसकी बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है प्रवक्ता है, मैं तो सबको बुरा मत मानिएगा, प्रवक्ता है, मतलब आप कांग्रेस के सह प्रवक्ता नहीं, नहीं आज मुझे सह प्रवक्ता पूछेगा, मैं ये बता रहा हूँ कि जो ये क्वेश्चन सह प्रवक्ता कांग्रेस के लग रहे हैं मुझे, नहीं राम जी, ना ना बड़ा बचाव कर रहे हैं आपका, मैंने पंचायती आदमी कही है, सामाजिक आदमी के भी मेरे को जो पार्टी आदेश देती है भाई आपने इस लाइन पे बोलना है, मैं उसी लाइन पे बोलूंगा, मैं अपनी तरफ से तो नहीं बोल सकता ना, सवाल तो यही है ना कि कल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी बोल रही थी कि धरती पर सबसे कमजोर शख्स है इनेलो छोड़ के बीजेपी, और आज उनको जिम्मेदारी है इलेक्शन मैनेजमेंट का देखेंगे, और ये योगी राम जी को मेरे ख्याल ये कहीं कभी बीजेपी की बीजेपी की मेरी बात ठीक नहीं है, आप अभी आप पीछे की इनेलो की बात क्यों नहीं करते, आप इनेलो की बात क्यों नहीं करते, आप इनेलो की बात क्यों नहीं करते, बीजेपी की बात इनेलो को ये उल्टा बोलते हैं, जोगी राम कांग्रेस के साथ समझौते की वकालत करते हैं यहाँ बैठ के, तो आप समझ सकते हैं क्या सोचे इनकी,
क्या सोच सकते हैं तो इसमें मुद्दा निकला ना, लगता है कि इनकी राजनीति स्तर पे जा चुकी है। अत्रे जी कल आपको याद होगा जो कि दावा करते थे और बीजेपी बयान आया था करके बोलेंगे पहले कौन बोलेगा आप डिसाइड कर लीजिए आप समझौता कर सकते हैं तो समय क्या हमारे पास आएगा मतलब आप कांग्रेस से भी समझौता करने को तैयार है तो आप दिखा भी रहे हो हमने कभी तो आप क्या हो से पता लग रहा खुद डिफेंड कर रहे हो क्या हो मैंने डिफेंड किया मतलब उधर अजय सिंह जी का वो बयान है और जोगी राम जी के तरफ दोनों का मिलान कर लीजिए स्पष्ट लगता है कांग्रेस का सॉफ्ट कॉर्नर है आप कल आप बोल रहे हो जिस कांग्रेस के खिलाफ चौधरी देवीलाल की नीति खूंटी में टांग दिया हमने कांग्रेस से समझौता करने के लिए हमने नहीं कहा आपकी राजनीति झूठ बोल रहे कांग्रेस आपकी राजनीति विचारधारा का हमारे घर आपके मतलब आपने उस विचारधारा को घूंटी में टांग दिया अब आप कांग्रेस से चलने के लिए तैयार हो क्योंकि आपकी मजबूरी है आज हमारी आपकी है सवाल उठा और खत्म हो गया बात खत्म हो गया जादुन साहब सिर्फ इतना जान लीजिए कि अब हुड्डा का टाइम तो पार्टी में तो आ गया सर लेकिन जिम्मेदारियां बड़ी हो गई है उनकी अगर इलेक्शन मैनेजमेंट का उनको अध्यक्ष बनाया गया है तो उनको सब कुछ देखना भी है लेकिन जो अशोक तंवर के समर्थक है या बाकी आपको मालूम है कि कितने दड़ों में पार्टी बटी हुई है हरियाणा कांग्रेस उनको कैसे समझा पाएंगे क्योंकि ऐसे आरोप लगते रहे कि गुटबाजी है कांग्रेस में और इससे अभी तक नहीं उभर पाई है हरियाणा कांग्रेस। देखिए इसमें ये भी है कि वेंडेटा पॉलिटिक्स भी चलती है। अब जो लोग हुड्डा की वजह से हुड्डा की जो विरोध के कारण पीड़ित रहे तो वो कैसे इस तरह से अब ये जो है हुड्डा के लीडरशिप में एक खेमे में आएंगे या एक अम्ब्रेला के नीचे आ सकते हैं इसकी संभावना थोड़ी कम दिखाई देती है। कांग्रेस की गुटबाजी जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी इसके चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन ये है कि आला कमान का ये एक प्रयास रहा कि हुड्डा को उन्होंने कहीं कोई अलग होने से एक तरह से रोक दिया कि किसी तरह से एक फॉर्मूला जो सबको स्वीकार्य हो इस तरह का फॉर्मूला बना के उन्होंने और हुड्डा को इलेक्शन कमेटी का प्रमुख बना दिया विधायक दल का नेता दे दी पद दे दिया। विधायक दल के नेता पद का कोई मतलब नहीं रहा अब तो नई विधानसभा बनने जा रही है लेकिन ये है कि एक स्टेटस फीलिंग दे दी उनको कि हाँ ये है कि मुझे जो है अहमियत दी जा रही है और इलेक्शन कमेटी के प्रमुख तो वो पहले भी रह चुके थे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हुड्डा की लड़ाई क्या थी। ये लड़ाई क्या थी इन्होंने जगह जवाब दिया ना ताकि इनके भी इनको देखो ये बोलिए बोलिए आप बोलिए बहुत ही सीनियर वो हैं हमारे ये विशेषज्ञ हैं लेकिन मैं इनको तथ्यों के आधार पर बताना चाहता हूँ। कांग्रेस की अपनी वो है ये सीएलपी का लीडर हमारे लिए बहुत जरूरत है जो कांग्रेस की टिकट आवंटन होता है मैं बिल्कुल स्पष्ट बात करना चाहता हूँ उसमें चार लोग ही बैठते हैं पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीएलपी लीडर और जो हमारे प्रभारी होते हैं और एक हमारे सीईसी के एक सदस्य नियुक्त होते हैं या दो सदस्य नियुक्त होते हैं जैसे महाराष्ट्र में हो चुके हैं दो हुए है वहां पर वो ज्योतिराज सिंधिया जी वहां चेयरमैन और एक मेंबर जी। ये लोग ही टिकट आवंटन करेंगे और करते रहे ये नियम इसलिए सीएलपी लीडर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। सीएलपी लीडर प्रदेशाध्यक्ष हमारे प्रभारी और हमारे एक सीईसी जो मेंबर आएंगे या दो ये पांच लोग फैसले कर इससे पहले एक कमेटी एक मीटिंग होती है उसमें पूर्व प्रदेशाध्यक्ष होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशनों के प्रेसिडेंट होते हैं महिला अध्यक्ष युवा अध्यक्ष मैं ये करता हूँ वो ये करें कि सीएलपी लीडर का कोई मतलब नहीं बनता। मैं कहता हूँ सीएलपी लीडर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे कानून में है कांग्रेस के संविधान में है सीएलपी लीडर टिकट आवंटन में बैठता है इसलिए महत्वपूर्ण। ये बीजेपी तो ये भी सवाल उठाती है कि हमने जो जातीय राजनीति भूपेंद्र हुड्डा करते थे उसको हमने खत्म किया और चलो एक ऑफिशियली अगर आपको एक पद भी मिल गया और ओपिनियन देने के लिए तो भी इनके यहाँ सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ही करती है। अभी जो है तंवर साहब ने एक कमेटी बना दी है। जादुन साहब आप ये कहना चाहते हैं कि झुंझुना हाथ में दे दिया और सारा वो सेंट्रलाइजेशन कर दिया सारा मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है। रणदीप सुरजेवाला ने तीन दिन पहले अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है उसको मत भूलिए। ठीक है दलबीर वो भी जारी कर दलबीर जी कुछ कह रहे हैं जी दलबीर जी बोलिए आप। सर मैं तो एक ही बात पूछना चाह रहा हूँ हजूर आज बदले बदले नजर आ रहे हैं तो मैं बात पूछना चाहता हूँ हुड्डा साहब ने
कब राष्ट्रीय अध्यक्ष को माने आप? राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ शब्दों में कहा था राज्यसभा के अंदर आनंद जी को वोट देना है, वो शाही कांड में 13 विधायकों का सबको पता है। प्रदेश अध्यक्ष को कब मानना? प्रदेश अध्यक्ष बुलाते हैं, वो कभी भी नहीं कहता प्रदेश अध्यक्ष बुलाएगा मैं नहीं जाऊंगा। सीएलपी लीडर वो इंतजार ही करती रही, उनके साथ कभी नहीं मीटिंग करी। तो भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस को कभी कुछ नहीं समझा, परंतु मैं तो लाचार ही समझता हूं कांग्रेस की। आज जो उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष झुक गई, सिंगरा साहब हमारे साथ नहीं है, वो तो बोल चुके हैं सर डिबेट में कि हुड्डा इज कांग्रेस, कांग्रेस इज हुड्डा, वो डिबेट में बोल चुके हैं पहले। दलबीर जी दिगरा साहब फोन लाइन पर नहीं है, वरना वो यहाँ पर बोल चुके हैं कांग्रेस इज हुड्डा, हुड्डा इज कांग्रेस, लेकिन है नहीं वो हमारे साथ, इसलिए मैं उनसे पूछ नहीं सकता। बालकुंज जिस पर जवाब दीजिए, और देखिए अत्रे साहब का जो सवाल उस पर भी जवाब दीजिए कि सुरजेवाला अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं, 18 अगस्त को भूपेंद्र हुड्डा रैली में ऐलान करते हैं कि ये हम देंगे आपको अगर सत्ता में आए, ये घोषणा पत्र जो जारी किए गए ये कांग्रेस के हैं, किसके हैं, व्यक्तिगत हैं, क्या है सर ये? देखिए पार्टी मुझे या किसी और को भी प्रवक्ता चुनती हो, पार्टी का विशेषाधिकार और एकाधिकार होता है, उसके बाद हमारी भी कुछ जिम्मेवारी होती है, और हम जिस तरीके से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, कौन किस तरीके की शिक्षा ग्रहण करता है, उन चीज़ों को अमलीजामा कैसे बना जाता है वो अब दिखाई देता है। प्रवक्ता का काम ही पार्टी को अच्छे तरीके से डिफेंड करना और बातों को रखना है। मैं बातों को नहीं घुमा सकता, अभी भी मैं उनको बता रहा हूँ जो हमारी पार्टी की लाइन है या किसी भी पार्टी की लाइन हो, उसमें परिस्थितियों को देखकर डे टू डे फैसले बदले जाते हैं और डे टू डे चीजें तय की जाती है। आज जेजेपी और लोकदल कल अलग हो गए थे, आज कह रहे कि एक पंचायत जा रही है जो इनको एक करना चाहती है, वो पंचायत को किसने तैयार किया, मोरा कौन है, ये चीजें चलती रहती, ये इनकी मजबूरी है। अब इनको पता लगे ना उस घर में कुछ, ना उस घर में एक नया अभियान छेड़ लिया। मैं ये कहता हूं ये सब की अपनी नीतियां हैं, उस पर नहीं जाना चाहिए ज्यादा। आप एक चीज मान के चलिए, जो कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है वो अगर नेता कहीं किसी भी किस्म के दबाव की बात करें या ये बात करें, ये देखना कांग्रेस हाईकमान ने था, लेकिन आज ये देखिए हमने अनुभव का फायदा लेना है। मैं तो सवाल भी नहीं कर सकता, आपने कहा मैं बात नहीं करूंगा भूतकाल की। हाँ बिल्कुल, जो मैं चला गया तो चला गया, चला गया। अब आपने तो कहा दबाव में सोनिया गांधी आती नहीं है, चाहे कोई रैली करते रहे या कुछ भी करते रहे, आज आप कहते हैं सवाल करूंगा नहीं करूंगा, पूछना पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ आपको, अनुभव उनका जो 10 साल वो चीफ मिनिस्टर है, अनुभव उनका अनुभव अभी क्यों देखा सर, रैली के बाद क्यों देखा, ये कमेटी बनाई गई हुड्डा के द्वारा उसके बाद ही क्यों देखा गया अनुभव, क्या पहले अनुभव नहीं था, आज ही आया 10 दिन में। प्रजातंत्र में एक चीज मानिए, मैं पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर सेवा कर रहा हूँ, राजनीति है ये, समाज सेवा है ये, उसके बाद अब हम इलेक्शन बोर्ड पर जाएंगे, अगर मेरा मन करता है कि मैं वहां से चुनाव लड़ सकता हूं तो मैं वहां से जीत चुनाव की टिकट के लिए पार्टी पर दबाव भी बनाना पड़ेगा, पार्टी को बताना ही पड़ेगा आप सर्वे करवाइए, आप ये करिए, आप वहां से रिपोर्ट मंगवाइए, ये पार्टी को मेरा सुझाव रहा होगा, और पार्टी वहां से सुझाव मंगवा करके कहीं शर्मा जी से पता नहीं पड़ता। कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी तक जो बातें कही मैं एक बार जरूर कहूंगा, और प्रदेश की जनता देख रही है, प्रदेश की जनता समझ भी रही हुई, एक तरफ ये कहते हैं मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं पार्टी की विचारधारा रख रहा हूं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि साहब मैं कल की बात नहीं करूंगा, जो बीत गया उसकी मैं बात नहीं करूंगा। मतलब कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट विचारधारा है कि कांग्रेस पार्टी ने अगर कोई वायदा कर लिया तो 2 दिन बाद कांग्रेस पार्टी स्पष्ट कहेगी कि साहब हम उसकी बात नहीं करेंगे अब, क्योंकि तो हमारी विचारधारा है, प्रवक्ता साहब ओपन कह रहे हैं बैठ के, ये पीछे की बात नहीं करेंगे, इनका कोई कमिटमेंट कोई वायदा इनका कुछ नहीं, स्पष्ट व्यक्तिगत सवालों पर मैंने बोला आप व्यक्तिगत सवाल कर रहे हो, मैंने कल क्या कहा, कल हमारे पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी जी, आपने खुद कहा आज हमारी अध्यक्ष सोनिया जी, लेकिन दूसरी बात ये नहीं होता, ये नहीं होता जो इस वक्त कांग्रेस के हालात है, इस वक्त जिस तरह से कांग्रेस लचर हालात में, मैं तो ये कहूंगा एक तरह से आईसीयू में है कांग्रेस, मृतसैया पे है कांग्रेस, इस वक्त कांग्रेस के जो हालात है राजनीतिक रूप से, चाहे हरियाणा प्रदेश की बात करें चाहे राष्ट्रीय संदर्भ में बात करें, जब किसी राजनीतिक दल के ऐसे हालात हो, मृतसैया पे तो जीडीपी है श्रीमान जी, मृतसैया पे जीडीपी है, आपको क्या बात करिए, कैप्टन अजय सिंह यादव जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, कैप्टन अजय सिंह यादव जिस वक्त बिजली मंत्री थे, उनका वो बयान याद होगा पटवारियों की पोस्ट के लिए, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि किस तरह से पोस्ट बिकती है, आपको याद होगा कलानगर के अंदर अशोक तंवर का वो बयान जब वो साइकिल यात्रा निकाल रहे थे कि टिकटें नहीं बिकने देंगे, इतिहास की बात नहीं करेंगे, वो जवाब नहीं देंगे, सीधे से बता देते हैं, नहीं देंगे, व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, अच्छा तो आपके नेताओं के बयान है साहब, ठीक है, जोगीराम जी बोलिए, जोगीराम जी बोलिए, आप बहुत देर से बोलना चाहते हैं, खुलकर बोलिए आप, अभी अत्रे जी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, 40 सेकंड देता हूं, बात कर रहे हैं तो साहब मैं तो बात तो उसकी करनी चाहिए, आपने देश के प्रदेश के लिए क्या किया, हमने प्रदेश के अंदर विकास किया साहब,
जीडीपी वो सरकार है जो लोग रो रहे हैं, जिन्होंने पारदर्शिता लेके आए, ज्यादा बेरोजगारी आती है, पुणे किसानों के लिए काम किया, युवाओं को नौकरियां दी, रोजगार दिया, बीच में जोगराम जी सरकार है, जोगराम जी ये भी सुन लीजिए, भूपेंद्र सरकार है, देखिए 53 अब सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की ही है, आप कहां हैं? देखिए अभी तो ये टक्कर जो है टक्कर सबको मालूम है, एनएलडी की और बीजेपी की है, कांग्रेस कहीं है ही नहीं उसमें, कहीं भी नहीं है, शुरू से हम कह रहे हैं, अब भी कह रहे हैं, और यही आपको दिखाई देगा जब असेंबली इलेक्शंस होंगे, क्योंकि जो किसानों के बारे में जो एनएलडी सोचती है, एनएलडी के सिवाय कोई सोच नहीं सकता। अब इन्होंने क्या एक बात पूछिए, 8.5 लाख किसान कोऑपरेटिव बैंक्स के डिफॉल्टर हुए, इनकी सरकार भी रही, कांग्रेस के 10 साल की सरकार भी रही, किसने के डिफॉल्टर, किसने डिफॉल्टर, क्यों इस किसान के ऐसे हालात हुए कि किसान भी इनके पैसे नहीं दे पा रहा है? यही तो मैं कह रहा हूं, आपकी सरकार के दौरान किसान के क्या हालात हो गए कि किसान जो पैसे ना देने का काम कर दी, कांग्रेस की सरकार के दौरान किसान के ये हालात हो गए, पैसे जमा करने का भी नहीं रहा, और राजनीति वाला किसानों के जो ब्याज आदि बीच में जो चैलेंजिंग बात की, ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जाए तो कहीं आप लोग ऐसे आपका प्रचार प्रसार का ध्यान लगातार किसानों के नाम पे पार्टी की बात कीजिए, आपकी पार्टी कहां खड़ी है? भूपेंद्र हुड्डा घोषणा कर चुके हैं, अब मैं मैदान में आया, तुम्हारी सेल्जा मैदान में आई, अब देखिए दूसरी पार्टियां कहीं नहीं और बीजेपी कांग्रेस बस यही टक्कर, हमारी पार्टी एनएलडी बीजेपी का मुकाबला होगा, कोई मुकाबला नहीं होगा। अच्छा, और दूसरा ये है जो ये कह रहे हैं ना, हमने 4,000 करोड़ माफ कर दिए, 5,000 करोड़ साहब, हमारी पार्टी तो ये कहा है एक का पूरा कर्जा माफ करेंगे, क्या माफ कर दिया? अरे साहब आप कह रहे हैं डिबेट फिर दूसरी, नहीं आप रोक तो इनको नहीं रहे हो ना, बीच में मैं जब बोलता हूँ पीछे बोलते हैं, मैं नहीं बोलूंगा, दोनों को रोक रहा हूँ सर मैं, नहीं आप मेरे को रोक रहा हूँ, अंत में सर मैं आपसे पूछूंगा, आप बताइए निचोड़ क्या है इस डिबेट का, कि आपने क्या बात की, ठीक है सर। दलबीर जी अंतिम प्रतिक्रिया के साथ सर बताइए कि भूपेंद्र हुड्डा अब बन चुके हैं, पूछना चाहता हूं जी जी बोलिए, क्या वो पगड़ी, हाँ हाँ मैं बताता हूं, मैं बताता बोलिए, मैं क्या वो पगड़ी धो के साबुन से धो दी, जिस तरह की पगड़ी की सम्मान की पगड़ी की बात की थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैली में, अब साबुन से धो के पगड़ी को हमें हुड्डा साहब को पहनाना चाहेंगे? नंबर एक। नंबर दो, आज जननायक जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सरकार का विकल्प है जनता के बीच में, ना कांग्रेस है ना इंडियन नेशनल लोकदल है, कांग्रेस अपने मन में तो बनी हुई है, इंडियन नेशनल लोकदल का नतीजा आ गया, पंचायत का नतीजा आ चुका है, विकल्प है जननायक जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी। ठीक है सर, मालूम कुंज जयंती प्रतिक्रिया पंचायत की मैं बता, पंचायत समाज को जोड़ने का काम करती है, पंचायत समाज को जोड़ने का काम करती है, पॉलिटिकल काम नहीं करती पंचायत ने। ठीक है सर, समाज को जोड़ना चाहिए, परिवार को जोड़ना चाहिए, परंतु पॉलिटिकल काम सर, ठीक है सर, पॉलिटिकल काम पंचायत का नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, हम आज हमारे धन्यवाद, आप पूरी प्रदेश की जनता आज हमें देख रही है। सर्वप्रथम तो जो 5.5 साल के अरसे तक लगातार सड़कों पर डॉक्टर अशोक तंवर जी, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कांग्रेस को ऊंचाइयों पर वो लेके गए, कांग्रेस के लिए उन्होंने काम किया, और जो नए लोग बने उनको भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं मैं तो इन लोगों से आज, तो इनको शुभकामनाएं देनी, मैंने वादा किया उनसे अंतिम प्रतिक्रिया, हालांकि मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन फिर भी आप अंतिम प्रतिक्रिया आप दीजिए, आप निचोड़ निकालिए सर, मैं आज आपको मौका देता हूं, यादव साहब आपसे माफी मांगता हूं सर, मैं पब्लिक के मुद्दे होने चाहिए, पब्लिक के मुद्दे हैं, पब्लिक कहाँ परेशान है, क्या हो रहा है, ठीक है, क्या हुड्डा और सरजा को लेकर क्या करेंगे, निचोड़ कह रहा हूँ सर मैं, ये तो बनते रहते हैं, इनमें क्या बनते रहते हैं, प्रेशर टैक्टिक सब जगह होती है, अच्छा बीजेपी में दबाव की राजनीति की है, आप ये कह रहे हैं दबाव की राजनीति, तो राजनीति में दबाव से ही चलता है, अच्छा अगर आदमी बैठा रहे तो उसको पूछता कौन है राजनीति में, अगर हुड्डा साहब बैठे रहते कौन पूछता किसी को, राजनीति में यही है, मोदी जी को कौन पूछता, अगर मोदी बैठे रहते गुजरात में तो कौन पूछता उनको, ये तो दबाव की राजनीति चलती है, और ये ठीक है, अब निचोड़ के है, निचोड़ के है कि दबाव की राजनीति थी और भूपेंद्र हुड्डा ने ऐसा किया और आज उन्हें जिम्मेदारी दी गई है पार्टी आला कमान के द्वारा, और यहाँ पर खुद विपक्ष के जो नेता बाकी है उन्होंने भी माना है, अब आने वाले समय में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप चर्चा में जुड़े, दलबीर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप चर्चा में जुड़े और आपने अपनी तरफ से जो भी राय है जेजेपी की ओर से रखी है, तो देखने वाला समय बहुत दिलचस्प होने वाला है,
क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो समय ही बता पाएगा। दिवाली से पहले किसकी असली दीपावली बनेगी ये भी देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल चुनावी तैयारियों में सभी दल और नेता जुड़ चुके हैं। धन्यवाद।